हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन इन वीवी एजुकेशनल सर्विसेज। आज हम यहां पर कवर करेंगे एमबीए फोर्थ सेमेस्टर में कंपेंसेशन मैनेजमेंट की फोर्थ यूनिट को, जिसमें आज हम यहां पर डिस्क्राइब करने वाले हैं सेल्स कंपेंसेशन प्लान क्या होता है। देखो, कंपेंसेशन मैंने आपको यूनिट फर्स्ट में डिस्क्राइब कर दिया है, आप उसका वीडियो वहां देख सकते हैं, मैंने इसको पूरा डिटेल्ड में समझा दिया है। अब देखो, यहां पर ये जो कंपेंसेशन है ना, वो सेल्स से रिलेटेड है। कंपेंसेशन सेल्स कंपेंसेशन प्लान इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सैलरी, बोनस, कमीशन एंड अदर टाइप्स ऑफ पेमेंट। तो ये जो सेल्स कंपेंसेशन है, वो सैलरी, बोनस, कमीशन या जो अदर टाइप के पेमेंट होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में बेनिफिट को लेकर के, उन सब का ये क्या है, एक कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर ये जो सेल्स पर्सन रहता है ना, क्योंकि सेल्स कंपेंसेशन मतलब सेल्स पर्सन को ही यहाँ पर कंपेंसेशन दिया जा रहा है, तो जो सेल्स पर्सन रहता है उसको यहाँ पर मोटिवेट किया जाता है कि वो सेल्स को इनक्रीज करे, ज़्यादा इफिशियंसी से वर्क करे, या फिर गुड परफॉर्मेंस पेश करे अपना, या फिर जैसे कंपनी का जो ऑर्गेनाइजेशन का या फिर जो गोल है, ऑब्जेक्टिव है, उसको अचीव करने में एफर्ट दे अपना। तो ऐसे मतलब सेल्स पर्सन को यहाँ पर मोटिवेट किया जाता है और फिर उसको सेल्स कंपेंसेशन प्रोवाइड किया जाता है। सेल्स कंपेंसेशन प्लान क्या था, मैंने आपको बताया ना कि सैलरी, बोनस, कमीशन या अदर टाइप के जो पेमेंट होते हैं उनका कॉम्बिनेशन है। तो अब जो सेल्स पर्सन अच्छा वर्क परफॉर्म करेगा उसको यहाँ पर सेल्स कंपेंसेशन प्रोवाइड करने का ही काम है इस सेल्स कंपेंसेशन प्लान का। फिर हमारे यहाँ पर मेथड्स ऑफ कंपेंसेशन, इसे टू पार्ट में डिवाइड किया गया है। यहाँ पर फर्स्ट है हमारा स्ट्रेट सैलरी मेथड एंड सेकंड है हमारा स्ट्रेट कमीशन मेथड। फर्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर कि स्ट्रेट सैलरी मेथड क्या होता है। देखो, एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट है जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को ऑर्गेनाइजेशन का कंपेंसेशन स्ट्रक्चर तैयार करने में हेल्प करता है, और इसके थ्रू फिर क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय रहता है उसको बिना किसी एडिशनल कंपेंसेशन के फिक्स्ड ईयरली सैलरी यहाँ पर पे किया जाता है। मतलब जो सैलरी है वो क्या है, फिक्स्ड है। लेकिन जो सेकेंड हमारा टॉपिक है इसमें स्टेट कमीशन मेथड, इसमें क्या होता है कि ये भी एक सेल्स कंपेंसेशन स्ट्रक्चर है, लेकिन यहाँ पर जो वर्क होता है, मतलब एम्प्लॉय जो भी वर्क करता है, जितनी सेल करता है, उसी के बेस पर यहाँ पर उसको कमीशन या सैलरी मिलती है। मतलब यहाँ पर जो कमीशन है वो फिक्स्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉय जैसा वर्क करेगा उसको उसी के बेस पर यहाँ पर सैलरी मिलती है, क्यों, उसकी जितने मतलब एम्प्लॉय की जो भी सैलरी है वो उसके वर्क पर डिपेंड करती है कि वो कितना वर्क करता है, उसी के अकॉर्डिंग उसको यहाँ पर कमीशन या सैलरी प्रोवाइड होती है। तो ये फिक्स्ड नहीं है, कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन जो सैलरी है वो फिक्स्ड रहती है। फिर हमारा सेकंड टॉपिक परफॉर्मेंस बेस्ड पे सिस्टम। मतलब ये जो सिस्टम है वो परफॉर्मेंस के बेस पर है, और परफॉर्मेंस के बेस पर ही यहाँ पर पे किए जाते हैं। मतलब जो परफॉर्मेंस बेस्ड पे सिस्टम है वो ह्यूमन रिसोर्स का एक कंपेंसेशन स्ट्रक्चर है, जिसमें किसी एम्प्लॉय को इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के लिए या फिर ओवरऑल कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए रिवॉर्ड देने का ये सिस्टम वर्क करता है। फिर हमारा लीगल एंड टैक्सेशन इश्यू ऑन कंपेंसेशन। देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू एम्प्लॉय के रिम्यूनरेशन को रेगुलेट करने के लिए कुछ लॉ या एक्ट को यहाँ पर पास किया गया है, जिसमें फर्स्ट एक्ट है हमारा पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। देखो, यहाँ पर जो एक्ट है ना, ये इनके नाम से ही आपको इनके ऑब्जेक्टिव समझ में आ जाएंगे, लेकिन हम इसमें फर्स्ट देखते हैं कि पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट क्या होता है। देखो, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, ये वेजेस पीरियड को फिक्स्ड करने के लिए फिक्स्ड करना इसका ऑब्जेक्टिव था, या फिर पेमेंट ऑफ वेजेस एम्प्लॉय को बिना किसी अनऑथराइज्ड डिडक्शन में प्रोवाइड हो जाए, यही इसका ऑब्जेक्टिव था, या फिर एम्प्लॉय को मिस या अनरियलाइजेशन या फिर अनरीजनेबल सैलरी डिले हुए बिना प्रोवाइड हो जाए, यही इसका एक ऑब्जेक्टिव था। फिर हमारा मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। तो देखो, यहाँ पर किसी ऑर्गेनाइजेशन का जो एम्प्लॉय है उसको यहाँ पर ऐसा पे वेजेस प्रोवाइड करवाया जाता है जिससे वो सर्वाइवल कर सके या अपनी लाइफ की बेसिक नीड्स को कंप्लीट कर सके, फुलफिल कर सके, यही इसका ऑब्जेक्टिव था। फिर हमारा थर्ड, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965।
देखो इसमें पेमेंट ऑफ बोनस, मतलब यहाँ पर बोनस की बात की गई है। बोनस कब देते हैं किसी भी एम्प्लॉय को? जब वो ज़्यादा अच्छे से वर्क परफॉर्म करे, अपनी अपना एफर्ट लगाए ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, तब उसको बोनस दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर ये जो बोनस है ना, इस बोनस का मिनिमम अमाउंट यहाँ पर फिक्स्ड किया गया था या डिसाइड किया गया था, जो था 8.33%। फिर लास्ट हमारा इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976। तो देखो यहाँ पर इक्वल रिम्यूनरेशन मतलब इक्वलिटी की बात की गई, मतलब मेन और वुमेन को इक्वल पे प्रोवाइड करवाना और जेंडर के बेस पर किसी को भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, यही इसका ऑब्जेक्टिव था। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।